हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। माता पिता जब भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो माता और पिता दोनों की ही बराबर की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को सक्षम बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माओ से ज्यादा पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चों में संस्कार भरने की और उन्हें अच्छी शिक्षा देने की। आज मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि बच्चों को अच्छा विकास देने के लिए और अच्छी शिक्षा देने के लिए पिता की क्या भूमिका होती है। हाल ही में हुए एक शोध से पता लगाया गया है कि पिता बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने बच्चों को सामाजिक होने में मदद करते हैं। जब भी उन्हें नए दोस्त बनाने होते हैं तो पिता ही सबसे ज्यादा अपने बच्चों की सहायता कर पाते हैं। बाहर की आउटडोर कोई भी एक्टिविटी हो या फिर कोई भी जरूरी काम हो, पिता से बेहतर और कोई भी बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ सकता है। इसीलिए यदि आप भी पिता बनने वाले हैं या फिर नए नए पिता बने हैं तो अपने बच्चों के विकास के लिए आपका उनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अध्ययन से ये बात सामने आई है कि यदि पिता अपने बच्चों को शिक्षा देने में और परवरिश करने में कुछ ज्यादा ही तनाव महसूस करते हैं तो इस बात का प्रभाव बच्चे की सोच पर और उसकी भाषा पर पड़ता है। ना ही उनकी सोच उतनी पॉजिटिव रह पाती है और ना ही बच्चे की लैंग्वेज उतनी अच्छी हो पाती है जितना कि हर माता पिता चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सामाजिक बने, सक्षम बने, तमीजदार बने और उनके अंदर अच्छे संस्कार हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि माओ से ज्यादा पिता अपने बच्चों पर फोकस करें, उन्हें अच्छे संस्कार दे और उन पर अच्छे तरीके से निगरानी भी रखे। कोई भी जरूरत हो, केवल पैसे देना ही सब कुछ नहीं होता है। माना कि घर का मुखिया यानी कि बच्चे के पिता बहुत सारे काम करते हैं, बाहर जाते हैं, आपके लिए आमदनी कमाते हैं और घर चलाने में आपकी सहायता करते हैं, लेकिन हमेशा पैसे देना ही सब कुछ नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के दिल तक आप अपनी जगह बना पाए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यदि आप नए नए पिता बनने वाले हैं या फिर अभी अभी पापा बने हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अच्छे से वर्कआउट करें और अपने बच्चों को अपने करीब लाने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत देती हूँ।